ग्रुप का लिंक शेयर कर दो। एक काम करना परी, आप मुझसे ही ले लेना क्लास के बाद, ठीक है? ओके मैम। हाँ आप मुझे प्लीज मैसेज कर देना। चलो अच्छा, कल जो मैंने कराया था आप लोगों ने रिवाइज किया मैम? 3 बार। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली कहानी हमने कैसे शुरू की थी कल वाली क्लास में? कहानी हमने शुरू की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कौन सी चीजों से डील करने वाले हैं, राइट? और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली रिलेशन देखने वाले हैं बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के, ठीक है? कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, राइट? फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके सिलेबस में 2 सेल है, एक तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक आपका गैल्वेनिक। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल में ही आ जाता है आपका गैल्वेनिक सेल। कुछ बुक वाले इलेक्ट्रोकेमिकल को ही गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं, बट हम थोड़ा अलग अलग लेके चलेंगे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी हम लास्ट में करेंगे जब हमारा कंडक्टेंस वाला टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? हमने कल बात की थी बेटा गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसको आप वोल्टोइक सेल भी बोलते हो, ठीक है? गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, मतलब आप कुछ रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाते हो और वो किस में प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हमने देखा था केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा था, इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक है, करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है? और जो भी रिएक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे वो कौन सी करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। आप लोगों को पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? और जो आपका गैल्वेनिक सेल वाला जो प्रोसेस था, जिसमें हमने पूरी उसकी वर्किंग देखी थी, वो कैसा प्रोसेस था? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है जी? बोलो। यस मैम। हमने उसकी वर्किंग की, हमने ये बोला था कि जब भी आप 2 मेटल को साथ लेके आते हो, जैसे आपका इसमें जिंक और कॉपर है, तो दोनों के बीच में रिएक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता था? जिंक से कॉपर की साइड होता था, एनोड टू कैथोड होता था, राइट? और करंट का फ्लो क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है? ये देखा था हमने बच्चे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने ये देखा था अलोन से, मैंने कहा था आप याद रखना, आपको याद रहेगा, ट्रिक बताई थी, कुछ बच्चे लोन से याद रखते हैं, मैं अलोन से याद रखवाती हूँ, तो जैसे आपको बढ़िया लगे आप वैसे ही करें, ये नहीं कि मैम ने ये बताया तो इसी से ही रटेंगे, नहीं, ठीक है? फिर हमने देखा था कि अगर मैं बल्ब लगा देती हूँ तो वो कुछ टाइम रिएक्शन होती है, जलता है, फिर दोबारा जो है बुझ जाता है, तो ये किस वजह से हो रहा था? चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो रहा था दोनों साइड पे, एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था और एक जगह नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था, ठीक है? इस चार्ज एक्यूमुलेशन से बचने के लिए हमने फिर किसका यूज किया था बच्चे, बताइए? साल्ट ब्रिज। वेरी गुड, हमने यूज किया था सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज में हमने क्या लिया था? अगार अगार सॉल्यूशन लिया था केसीएल का, है ना? तो वो क्या करता था केसीएल का? सो वेरी गुड, केसीएल का सॉल्यूशन जो हमने लिया था वो क्या करता था? बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था। जो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है वहां पे क्या जाएगा? सीएल नेगेटिव जाएगा, चार्ज को खत्म करेगा। जहां पे गुड इवनिंग निगम, ठीक है, जहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वहां पे क्या जाएगा? K+ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ये इसके 2 फंक्शन है, ठीक है? और क्या करता था? एक तीसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था, वेरी गुड, ठीक है? और क्या बताया था? कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है? अवॉइड करता है, ठीक है? अवॉइड कर। और एक फोर्थ मैंने आपको बताया था, जो आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए आपके कैटायन और एनायन की, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है? ट्रांसमिशन नंबर सेम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर बोल दो या आयनिक मोबिलिटी बोल दो। आयनिक मोबिलिटी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे तब जब मैं आप लोगों को कंडक्टेंस वाला टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है? उसके अलावा मैंने एक और चीज ये बताई थी आप लोगों को कि अगर आप मान लो सिल्वर और लेड की इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो वहां पे हम केसीएल का इलेक्ट्रोलाइट लेना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, उनके साथ रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, इसलिए हम जल्दी वो नहीं यूज करते आजकल। मतलब आज तक नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है इन फ्यूचर ये वाला क्वेश्चन वो रिपीट कर दे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग
सॉल्ट ब्रिज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन अबाउट सॉल्ट ब्रिज. तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं. अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगी, पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, फिर मैंने कहा था ये तो दिखने में बड़ा सुंदर है, ये आप लोगों को एज अ नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया था, इसको अच्छे से पढ़ लेना. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था ना यहाँ से चार नंबर बनते हैं. ध्यान रखना एक्सटर्नल वोल्टेज क्या क्या, अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा कर दोगे 1.1 वोल्ट से तो क्या होगा, इक्वल कर दोगे तो क्या होगा, लेस देन 1.1 वोल्ट कर दोगे क्या होगा, ये चार नंबर का क्वेश्चन बनता है. ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया था. ठीक है जी. उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा, सेल नोटेशन नहीं पता होगा, जब आप नॉन इक्वेशन सीखोगे तो नहीं कर पाओगे. तो जिसको भी प्रॉब्लम आती है सेल रिप्रेजेंटेशन में, प्लीज इसको एक बार अच्छे से कर लेना. दो तीन एग्जांपल जो मैंने करवाए थे उसको रिवाइज कर लेना, आपका हो जाएगा. क्या करवाया था, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाओ, उसके राइट एंड लेफ्ट साइड आयंस लिखो, फिर एक डंडा और लगाओ जिसको हमने क्या बोला था, फेज डिफरेंस दिखा रहा है ये, और उसके बाद मेटल लिख दो. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड है आपका और राइट हैंड साइड क्या है बच्चा, कैथोड. कैथोड की साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड की साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, निगम आ गया, राधिका आ गई क्या, राधिका मैम? हाँ बच्चे. मैं अभी कौन कौन से टॉपिक करा दिया आपने? बेटा अभी कल वाला रिवाइज करा दिया. ओके मैम. ठीक है, तुम्हारे लिए. राधिका ने ज्वाइन किया था, पता नहीं कहाँ गई, चलो कोई बात नहीं. ओके, इसके बाद ये एग्जांपल थे. ईएमएफ हमने देख लिया था, क्या था ई सेल और ईएमएफ, कोई मुझे बताएगा? एक बच्चा, एक बच्चा, कोई मुझे बताएगा क्या था ईएमएफ या सेल, ई सेल क्या था? द डिफरेंस इन, अब बोलो ना, तुम्हारी बोलती की डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द मैम, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस. हाँ, the difference in the, किसमें, किसके डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, यही बताया था. और आप क्या लिखते थे बच्चे, ई सेल क्या लिखते थे आप, आप लिखते थे ई कैथोड माइनस, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखते थे. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप मेजर कर रहे हो तो ये क्या लगा देते थे आप, डॉट लगा देते थे, राइट. फिर हमने कहानी को कहां तक लेके गए, हम ये लेके गए कि चलो ठीक है, हमने ये देख लिया कि रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है. बट अगर हमें हर एक मेटल की रिएक्टिविटी जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा. और वो रेफरेंस हमने किसको माना था बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन. ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके चलेंगे उसका, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो जीरो एज्यूम किया था, राइट, जीरो एज्यूम किया था. अब उसको, अब हम क्या लाएंगे, मेटल को लाएंगे, उससे कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया. ठीक है, हो सकता है कि कई बार आपका जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह काम करे, कैथोड की तरह काम करे, और कई बार हो सकता है वो एनोड की तरह काम करे, तो ये हमने देखा था. ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी कराया था, देन मैं आपको लेके आ गई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के मैं हर एक मेटल को लेके आई और मैंने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो पता किया. ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके कुछ मेटल्स हैं जिनका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है. बाय कन्वेंशन हम इसको अब क्या बोलते हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल. क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है जी, चलो. ठीक है, और मैंने क्या कहा था, अगर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है SHE से अगर कम है तो वो क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अगर उससे ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, किससे, SHE से ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे आप उसको, हम क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, चलो. अब ये तो बात थी वर्बली जो मैंने आप लोगों को बताई थी. अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, यहाँ पे आप मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये अब जाओगे और भूल जाओगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ रहेंगे हमेशा, तो आप प्लीज लिखिए जो मैं लिखवा रही हूँ. ठीक है,
जो भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है उसको हम एक समरी की फॉर्म में लिखने वाले हैं यहाँ पे पॉइंट्स बना बना के। तो पहला क्या पॉइंट है बच्चे, लिखो इफ रिडक्शन पोटेंशियल, लिखो सारे के सारे, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन SHE का कितना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईनोड सेल जीरो होता है, ठीक है। अगर उसका ज्यादा हुआ रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या होगा, रिडक्शन अकर, या सिंपल ये लिखो द स्पीसीज गेट रिड्यूस्ड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा। तो वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो बिहेव एज स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेघा है मेघा क्लास में? यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिहेव एज स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा सेकेंड पॉइंट लिखिए, वेरी गुड। क्या हो गया वंशिका, रिडक्शन पोटेंशियल, रेजिस्टेंस पोटेंशियल ने बच्चे, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल, लिखो इफ रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन SHE द स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और बिहेव कैसे करेगी वो, एज रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने देखा है लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट बोल दे आपको, रिड्यूसिंग पावर बोल दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दे या ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दे, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट लिखो सारे, ए मेटल विद लोअर। तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो क्या, क्या यहीं पे चैट बॉक्स में लिखो? बना रहे मैम, चैट बॉक्स में नहीं स्पैम कर रहे, ठीक है। ए मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अगर एक मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो क्या करेगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उन सबको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस अदर मेटल्स विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल। यही तो देखा हमने, अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करूं तो आप बोलते हो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, कम होता है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो दूसरे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखवाऊं, सिर्फ जो मैं लिखवा रही हूँ ना वो एज इट इज याद रखो, बाकी अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी, उससे आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखो। सबसे ज्यादा होता है मैग्नीशियम का, ठीक है, उसके बाद जिंक का, उसके बाद आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद ईनोड सेल मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चे, ईनोड सेल क्या, मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा ना फिर? हाँ, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है जिंक से। देखो यहाँ पे आओ, इधर देखिए मैग्नीशियम का कितना है, 0.34, देख पा रहे हो, -2.34 है, और जिंक का कितना है, नीचे आओ कहाँ गया, जिंक का इतना है ना, तो किसका ज्यादा हुआ, जिंक का क्या हुआ, ठीक है। तो किसको डिस्प्लेस करेगा मैम, जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ए मेटल विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो डिस्प्लेस करेगा हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को, समझ में आ गई? यस यस मैम। हां जी बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही आपने अभी जो लिखा, स्क्रीन नहीं दिख रही, ये लो, ठीक है मैम, यहाँ से देख लो, अगर किसी ने नहीं लिखा। अर्पिता क्या हुआ बच्चे, नोट डाउन नहीं कर पा रही हो क्या? दो मिनट
अच्छा हाँ हाँ लो 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 बेटा टाइम ले लो, मैं तो खुद ही इतना धीरे धीरे लिखती हूँ ताकि तुम लोग साथ लिख लो, लिख लो इसको आराम से फिर। अच्छा जिसने लिख लिया एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि ई नोट सेल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड बताया था, लिखो सारे के सारे। मैम जो एनोड और कैथोड की कन्वेंशन होती है वो फिजिक्स से अलग होती है? हाँ फिजिक्स में आप जनरली क्या पढ़ते हो कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। यस मैम। कि गैल्वेनिक में आप उल्टा पढ़ते हो, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो हम वो फिजिक्स जैसा पढ़ेंगे कि एनोड पे होगा तो ऑक्सीडेशन लेकिन उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ेंगे। ठीक है चलो हो गया। मैम ये चैप्टर बहुत गंदा है। अभी से गंदा लगने लग गया तुम्हें? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मैम। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, करने वाला ही है। अभी तो सिंपल लग रहे हैं। ये याद करने वाला चैप्टर है? सीरियसली क्या याद करना है इसमें सारा? तो हमने अब तक एक भी चीज रट्टा नहीं मरवाई है मैंने तुम लोगों को। हम रट्टा नहीं, एक्सपेरिमेंटल है सब। भी मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कभी ना, मैं एक बार तो समझ रहे दोबारा पढ़ो तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। नहीं हो गए, अभी क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, हम क्वेश्चंस जो है क्लास में ही करेंगे। ठीक है ध्यान रखना बच्चे, अगर आपका ईएमएफ पॉजिटिव होगा तभी आपकी रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है उसके बाद लिखो ऑल मेटल, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी मेटल है ऑल मेटल बिलो बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या जिसका आपका जो इनोड सेल है वो क्या होगा, जीरो होगा, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी समझाती हूँ इसको। सीरीज लिब्रेट लिब्रेट एच टू गैस, लिब्रेट एच टू गैस कहने का क्या मतलब है, आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो एक, अरे इधर देखो ना गुंजन, अभी कहां फैराडे पे पहुंच गया बेटा। ये है, आप एक बार बताओ जिंक का कितना रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, इसका 0.34 है, याद नहीं करना है लेकिन ये याद हो जाता है ना, एक इसका याद हो जाता है और एक कॉपर का याद हो जाता है। ठीक है बाकी बेशक हम किसी का याद नहीं रखते हैं। मैंने क्या बोला, अब ये देखो बच्चे की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है। ठीक है हाइड्रोजन के नीचे लाई करेगा तो ये अच्छा क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलो रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन देगा और इसके कंपेरिजन में ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ले लेगा। अब एक बार बताओ अगर आपको हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करानी है, सपोज मैंने जो HCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है HCl क्या देगा H प्लस देगा। एक बात बताओ जब जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो H प्लस वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करेगा। यस जबकि कॉपर क्या है वो गेन कर रहा है, जब वो खुद ही गेन कर रहा है तो भैया हाइड्रोजन को क्या देगा, तो यहाँ पे H2 गैस लिब्रेट नहीं होगी, यही मतलब है इसका। तो जितने भी मेटल हैं जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, मतलब जो नेगेटिव में है सारे, अगर मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊं ये वाले सारे के सारे क्या करेंगे, क्या करेंगे जब आप इसको HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या करेंगे, लिब्रेट करेंगे हाइड्रोजन गैस। बोलो हाँ या ना मैम, तो कुछ भी पढ़ लेनी पढ़ाई वाला पॉइंट बेटा, मैं ये कह रही हूँ चलो एक समझते हैं। जिंक और कॉपर का पता चल गया, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है। यस मैम। जिंक का क्या है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, ठीक है कॉपर का है 0.34, इतना सबको क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। एक बात बताओ जिंक और कॉपर में से कौन खुद को रिड्यूस करेगा और कौन खुद को ऑक्सीडाइज करेगा? कॉपर रिड्यूस करेगा मैम, कॉपर रिड्यूस करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज। ठीक है तो जिंक का मैंने करा दिया ऑक्सीडेशन और कॉपर का करा दिया रिडक्शन, ठीक है इतना। yes. अब तुमने एक जगह लिया हुआ है SHE लिया हुआ है, ठीक है उसमें क्या होगा HCl सॉल्यूशन होगा। तो अब एक बात बताओ जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में SHE का क्या होगा रिडक्शन, बोलो हाँ या ना। yes, yes, ma'am. अभी तो बोला, अभी तो ये लाइन क्या लिखवाई है मैंने, If reduction potential less than SHE, the species get oxidized, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा reduce, तो जब ये electron को gain करेगा तो ये H2 gas liberate नहीं हो जाएगी मनीषा? Yes ma'am.
लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो से ज्यादा है, यानी कि वो अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा भैया, रिड्यूस नहीं होगा, और अगर रिड्यूस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एच टू गैस लिबरेट नहीं करेगा, बस सिंपल यही बात है। ओके मैम, समझ में आई, बोलो। यस मैम। ठीक है आयुष, अभी किसने ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके, अभी किसने ज्वाइन किया है क्लास? अर्चना बेटा लेट हो गई आज, चलो। ओके क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ बच्चे, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे। अर्चना लेट हो गई बेटा। मैम वो सॉरी। अच्छा मैम आप रिकॉर्डिंग भेज देना एक बार। मैं तो बेटा अपलोड कर ही देती हूँ टाइमली, ठीक है। आज राधिका भी नहीं आई, जागृति भी नहीं आई, राधिका ने ज्वाइन तो किया था बट वो आई नहीं। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जिसको आधा अधूरा समझ में आया है पूरी क्लास, अभी कितने बजे, 7, एक घंटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बच्चे, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से समझना, ये चैप्टर कंफ्यूजिंग है मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया ना स्टार्टिंग के 2-3 दिन वाला पोर्शन चैप्टर का, बस फिर आप कर लोगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने ये लिखा हुआ है, एक रिएक्शन आपको लिख के दे दी, क्या आप लोग उस रिएक्शन को देख पा रहे हैं? 17 स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। आपको मैंने रिएक्शन लिख के दे दी, आपको मैंने उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी लिख के दे दिया है। जिंक से जब जिंक 2+ जा रहा है तो उसका जो पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, जल्दी बताइए। मैम ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन। और Ag से Ag+ गया है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी कि मैंने क्या दिया है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है इनका, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस। अब आपको मेरे लिए 2 काम करने हैं बच्चा, जितने भी बैठे हो 2 काम करने हैं, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है और एक इसका ई-नोट सेल मुझे निकाल के दिखाना है। तो जल्दी से निकालो नोटबुक और जल्दी से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर डालो। हो गया क्या, यही सबने लिखा है सेल रिप्रेजेंटेशन? एक बार देख लो, सॉल्ट ब्रिज बनाया, यहाँ पे आयंस लिखे और यहाँ पे भी क्या लिखा, आयन लिखा, और इस तरह यही है सबका, यही आया है। यस मैम। अब ई-नोट सेल निकालेंगे, ई-नोट सेल क्या होता है बच्चे? अर्पिता जिससे मैं पूछू वही बताएगा, अपने आप कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। अर्पिता क्या होता है बेटा ई-नोट सेल? अर्पिता कैन यू हियर मी? हाँ, ई-नोट सेल क्या होता है, ई-नोट सेल का फॉर्मूला बता बेटा। कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ, ई-नोट कैथोड माइनस ई-नोट एनोड। लेकिन ध्यान रखना, ये ई-नोट कैथोड का मैं क्या लेके चल रही थी, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रही थी। हाँ, माइनस ई-नोट, जब आप दोनों के, जब आप लोगों के पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा तभी आप ये माइनस लगाएंगे बीच में, समझ में आई? तो आपको ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, आप इसको चेंज करो इनके रिडक्शन पोटेंशियल में, इसका कितना हो जाएगा, -0.76 -0.80। बताओ कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा, एजी बिहेव करेगा? यस मैम, एजी करेगा। एनोड का क्या है, -0.76, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 1.56 वोल्ट। क्या सभी का यही आया था? यस मैम। यानी कि इसमें एक ही चीज ध्यान रखने वाली ये थी कि मैम जब हम ई-नोट सेल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज ई-नोट कैथोड माइनस ई-नोट एनोड, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसके साइन को बदलो। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए उसके साइन को क्या करोगे, बदलोगे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। क्या ये क्वेश्चन, इतना शोर कैसे आ रहा है? हाँ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके,
ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि रिडक्शन दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को मेरे को करके दिखाना है। पहले तो इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ, फिर मुझे इसका इनोड सेल बताइए, फिर मुझे ये बताइए कि अपनी नोटबुक निकालो, फिर मुझे ये बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए। अच्छे से करना सोच समझ के। अनुष्का आप हो बेटा, प्रियांशु, यस मैम, अर्चना, अनुष्का, अनुष्का आप हो क्या? अनुष्का तो कुछ बोल ही नहीं थी। चलो करो करो, सेल रिएक्शन तो लिख लो। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा। ओके मैम। हाँ फोर्थ वाला है सेल रिप्रेजेंटेशन। लक्ष्मी आज लेट कैसे हो गई बेटा, ट्यूशन था क्या? मैम मैं अभी आई हूँ क्लास से। मैम थर्ड वाला नहीं समझ आ रहा, बाकी तो तीन हो गए। अच्छा विच इलेक्ट्रोड, अरे ये बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, जिस पे रिडक्शन हो रहा है वही तो पॉजिटिव होता है। अब समझ में आया? यस मैम, यही तो पूछा है मैंने। बस सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, लिख दोगे? अब आप मुझे बस ये बता दो कि किस पे रिडक्शन हो रहा है और किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी बताओ। मैम Cu का रिडक्शन हो रहा है, Ni का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। पक्का? यस यस मैम। ठीक है, एरो बहुत सारे आ रहे हैं। फिर आ गया क्या भैया तुम्हारी? यस मैम। मैम दो हां एरो हटाई दीजिए स्क्रीन पर से। हट तो नहीं रहा ना, दिक्कत तो वही है ना मैम। हट गया। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है। अरे तुम क्वेश्चन करो, मैं इसको करती हूँ कुछ। चलो हाँ, तो एक बार बताओ, जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका यही रखूंगी पोटेंशियल, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगी बेटा। यस मैम। इतना काम हो गया, सेल रिएक्शन लिख ली। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इनोड सेल क्या हो जाएगा बच्चे? इनोड सेल तो आप लोगों को आता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है? ये है। 0.59 आ रहा है इनोड सेल। 0.59 आ रहा है। ठीक है। अच्छा कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल था ना, तुम 0.34 माइनस और माइनस 0.25, क्योंकि Ni2 का क्या हो रहा है बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इनोड सेल इज व्हाट, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। चलो कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी बच्चे? कॉपर वाली होगी, क्योंकि उस पर इसका आंसर कॉपर हो जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन तो तुम अपने आप कर ही लोगे। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या लिखोगे? निकल लिखोगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉपर लिखोगे। अर्पिता समझ में आया? यस। हाँ जी बोलो अर्पिता। यस मैम। अर्पिता को बोला बेटा। यस मैम। हाँ तो क्लास में बोलो, सारे बोला करो। आयुष। यस मैम। हाँ अर्पिता लड़की है, लड़का लड़की है, लड़की है बेटा। आयुष समझ में आया है क्या? हाँ मैम समझ में आते हैं। पक्का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही करोगे। ये लो करो क्वेश्चन, आ जाओ इधर सारे के सारे। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं चार, क्या आप लोगों को सभी को दिख पा रहा है? जल्दी देखिए। यस मैम।
पहले तो यही देख लो कि ये क्या दिए हुए हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए, ठीक है। हम रिडक्शन तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये कुछ नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, मेगा मेगा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मेगा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो अब देख लो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा, यानी कि क्या इनोड सेल की वैल्यू हमें क्या देखनी है, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी या जिसकी सबसे ज्यादा होगी, बताओ। जिसके सबसे ज्यादा होगी वैल्यू, सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज। तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, हम कॉपर वाले की, उसके बाद किसकी है बच्चे, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आयरन की, आयरन आयरन की, उसके बाद किसकी है, क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम की, उसके बाद क्या है, जिंक। अब एक बार बताओ, यहाँ पे मैं कॉपर आयरन ये लिखूं या ये लिखूं, दो अलग अलग बातें हैं, पेपर में आपको दो अलग अलग चीजें मिलेंगी, या तो मैम स्टैंडर्ड, मैम स्टैंडर्ड बोला है तो आयंस नहीं लगाएंगे ना बेटा, एक बार नहीं नहीं, अरे आयंस ही तो लगाएंगे, कॉपर का मतलब क्या है, कॉपर टू प्लस कॉपर में जाना चाह रहा है ना, यस मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा हो गया, कॉपर टू प्लस को हो गया, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस कौन करेगा, कॉपर टू प्लस ही तो कॉपर में जाके रिड्यूस करेगा खुद को, यस मैम। समझ गए, तो आयंस लगाने हैं आप लोगों को, समझ आ गई, क्वेश्चन कैसा था, इजी था, यस मैम। अगर इसकी जगह रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, हाँ, और आयंस नहीं लगाओगे वहां पे, वहां पे सिर्फ जिंक लिखोगे, क्रोमियम लिखोगे, आयरन लिखोगे और कॉपर लिखोगे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल, आपको ये तीन क्या दिए हुए हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रखी है, और सबका देखो क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल देगा हुआ है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बस, तो फिर कर दो इसको, क्या बताना है, सबका निकाल के दिखाना है, सेल पोटेंशियल ई सेल निकाल दो सबका, पहले फर्स्ट का निकाल दो, फिर सेकंड का निकाल दो, फिर थर्ड का निकाल दो, जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा सबका, कॉपर जिंक का तो 0.42 आएगा, रुक जाओ गुंजन, पहले नहीं बोलना बेटा, अपना निकाल लो, क्योंकि अगर एक बच्चा बोलता है तो बाकी को मैं फिर देख ही नहीं पाती हूँ कि करा है या नहीं करा किसी ने। तो बस मुझे ये बताओ, जिंक और सिल्वर में रिडक्शन किसका होने वाला और ऑक्सीडेशन किसका होने वाला, बताओ। मैम मैं बताऊं, हाँ साक्षी तुम बताओ ये वाला, मैम जिंक का तो मैम ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का रिडक्शन होगा। अच्छा, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये वैल्यू तो चेंज करनी पड़ेगी ना मेरे को, यस मैम। ये सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनो, ठीक है। कैथोड क्या है, सिल्वर है, तो यहाँ पे लिखो सिल्वर की वैल्यू कितनी है, 0.80 माइनस माइनस 0.76, हो जाएगा ये सोल, यस। कितना आ जाएगा, 1.56, ठीक है। अच्छा, 1.56 है, 1.5, हाँ ठीक है मैम, 1.5। इसका कैसे निकालोगे बेटा, आयरन और कॉपर में से किसका रिडक्शन होगा, लक्ष्मी तुम बताओगी, मैम सीयू का रिडक्शन होगा, वेरी गुड, सीयू का रिडक्शन होगा यानी कि 0.34, और आयरन का ऑक्सीडेशन होगा यानी कि कहाँ गया हमारा आयरन, ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस करो डायरेक्ट, हो जाएगा, यस मैम। नेक्स्ट वाला कर लोगे, किसका होगा रिडक्शन, क्रोमियम का होगा, कितना दिया हुआ है बच्चे, 0.74, और गोल्ड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हो जाएगा, यस मैम, यस मैम। मैम क्रोमियम का तो माइनस 0.74 दे रखा है ना, हाँ तो मैंने लिख तो दिया, कैथोड है ना, सेकंड वाले में तो मैम एफ का दे रखा ना, क्या हुआ बच्चे, हम सेकंड में आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा ना, रिडक्शन पोटेंशियल,
एक सेकेंड, इन्होंने उल्टा दिया हुआ है क्या? एक मिनट रुको, मेरे को चेक करने दो। सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है कोपर का रिडक्शन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। एक काम करते हैं, उसमें टेबल में चेक करते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो। हाँ देखो, गलत दिया हुआ है इसमें प्रियांशु, ये देखो ये आएगा है ना। यस मैम, तो वहां पे चेंज कर लो, -0.44 आएगा। अब ये कर दो, अभी ठीक है। यस मैम, अब ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर मैच कर लो आप लोग, यही होगा। यस मैम, ठीक है, ओके। इसका क्या आएगा? -2.16 आएगा है ना। यस मैम, मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो ये रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया? मैम एक स्पॉन्टेनियस है, दो स्पॉन्टेनियस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड, ये दो मैम ऊपर वाली दो स्पॉन्टेनियस है। वेरी गुड, और ये वाली प्रियांशु क्या है? थर्ड वाली नॉन स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड, क्लियर हो गए ये वाले क्वेश्चन? किसी को डाउट है इसमें? बस यही तो है, इजी क्वेश्चन है, तुम घबराया मत करो। मैम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और क्या? हमें लगा मैम थोड़े ज्यादा मतलब वो आते सब क्वेश्चन। नहीं 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 आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तो जितने भी ये वाले क्वेश्चन है ये सारे तुम्हारे नीट और जेई के क्वेश्चन है, जितने भी आज मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, तो जल्दी से करो। ठीक है, आप लोगों को एक सेल रिएक्शन दी हुई है, चैट बॉक्स में अपना आंसर डालते जाओ फटाक से। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा है बेसिकली एबीसीडी में से कौन सी करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं 0 से +1 जा रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आएगा? ये आएगा H2 और HCl। KCl तो हो ही नहीं सकता क्योंकि KCl आपको दिया नहीं गया, राइट। और Ag का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि वो क्या आएगा? राइट हैंड साइड आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या मार्क करूं मैं? सी मार्क करूंगी। AgNO3 की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है, आपका नीट 2015 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, पहले लिख लिया करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना जायज है। ठीक है, आप हो सकते हो कंफ्यूज, लेकिन आप अलग से आप लिख लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। इसको इस तरह से लिख लो, पहले आपको ये बताना है रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। लिख लो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे कम, लिख लो, जिसकी वैल्यू सबसे कम उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो कम किसकी है बच्चे? यही होगा ऑर्डर। ठीक है, सबसे कम किसके है? -2.50, फिर -0.50, और उसके बाद क्या है? 0.68। और ध्यान रखना -2.50 सबसे कम है, 0.50 से ज्यादा है, ध्यान रखना इस चीज का। हो जाएगा ये क्वेश्चन? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। तुम देखो क्या चिंदी क्वेश्चन है, सिर्फ ये पूछा कि भैया बताओ कि कौन सी रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल हो सकती है। सी, आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर ये पता था तो फिर बात बन गई, चार नंबर हो गए आपके पक्के। नहीं पता था तो वो चार नंबर गए पानी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल। मैम रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड। सी, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, रॉन्ग पूछा है बच्चा, रॉन्ग है ना, गलत पूछा है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है मैम, बिल्कुल ठीक है। एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, बिल्कुल ठीक है। डी हो जाएगा, डी या सी? मैम सी, सी बेटा। रिडक्शन कैथोड पे होता है, एनोड पे? मैम कैथोड पे होता है रिडक्शन।
हाँ तो सी वाला गलत हो गया ना, डी वाला क्यों यस बोल रहे मैम। हो? एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, भूल गए क्या? एलोन, ठीक यस मैम। है। फॉर अ सेल गिवन बिलो, फॉर अ सेल गिवन बिलो क्या होगा इसमें? देखो एक बार, आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है, और ई नोट की वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हो एजी का दिया हुआ है और आपको कॉपर का दिया हुआ है। ई नोट सेल निकालना है, जल्दी से निकालिए। आज कौन सा स्टूडेंट नहीं आया, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ जी आयुष, आंसर एक भी नहीं बता रहा बेटा तू। सी आएगा क्या? सब सी सी बोल रहे हैं। आयुष एक भी आंसर नहीं बता रहा बेटा तू, ना अर्पिता तुम भी कुछ नहीं बता रही हो। श्रेषी सी, वाई प्लस एक्स नहीं होगा। वाई प्लस एक्स देख लेते हैं एक बार। चलो करें स्टार्ट। देखो 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 देखो, इसका आंसर वैसे तो सी होगा, सही बोला है, हम देखते हैं सबसे पहले। ओके इसका क्या किया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसका रिडक्शन हुआ है, राइट? और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ई नोट ऑक्सीडेशन क्या होगा, ई नोट कैथोड, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कैथोड पे कौन आएगा, कॉपर का, यानी कि वाई माइनस मैंने ई नॉट इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ये माइनस एक्स नहीं है, नहीं ई नॉट एक्स ही है। मैं वो माइनस एक्स लगा दिया। ना 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 ना, ये कुछ आई थिंक लैपटॉप पे कुछ लगा हुआ है। नहीं मैम वो आपके एरो आ जा रहे हैं, फिर से माइनस लग रहा है। अच्छा, अभी भी डबल डबल आ रहा है क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो एनोड पे क्या है बच्चे, एक्स है। हां जी एनोड के लिए ई नोट की वैल्यू क्या है मुझे बताओ। एजी मैम एक्स 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 तो वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी? बोलो यस मैम। यस यस ओके। चलो चले आगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन आओ, आयु आयुष कह रही हूँ, ई नोट सेल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर एस। मेरे को सब पता है कि क्लास में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ठीक है? तो प्लीज बी एक्टिव इन माय क्लास, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, अदरवाइज चुप मत बैठो मेरी क्लास में। जिंक से जिंक टू प्लस क्या हो रहा है, देखो आप क्या दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। और आयरन का भी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। निकालना क्या है, द इनोट सेल फॉर हाफ सेल रिएक्शन इज। तो पहले एक काम करेंगे, हम ये रिएक्शन बनाएंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम ये पहले रिएक्शन बनाएंगे, कैसे बनेगी देखते हैं। देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिख दो उसकी रिएक्शन, लिख दी हमने, और इसके लिए क्या वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद आयरन का क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, यस लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मतलब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस बस इन दोनों को ऐड कर दो, यही बन जाएगा आप लोगों को जो चाहिए था। देखो एक बार बन रहा है, यस तो ये कैसे बना, ये जो थर्ड इक्वेशन थी कैसे बना, इन दोनों को ऐड करने से बना, यानी कि 0.76 माइनस 0.41 वोल्ट। आप लोगों को समझ में आया मैंने साइन माइन क्यों चेंज किया, क्योंकि जो मैंने थर्ड इक्वेशन बनानी थी जिंक का ऑक्सीडेशन करा हुआ है, ठीक है? तो अगर जिंक का मैं ऑक्सीडेशन करा रही हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू लिखूंगी, ऐसे ही आयरन का मैं क्या करा रही हूँ, रिडक्शन करा रही हूँ, बट मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो माइनस, मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया मैम। हाँ बीच में मैम दोनों का तो एक एक करके बोलो, एक तो साक्षी। हाँ
मैम जिंक का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और आयरन का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो मैम अपने जिंक का पोटेंशियल की मैम साइन चेंज नहीं की, आयरन की चेंज की है क्यों? क्योंकि देखो ये थर्ड इक्वेशन कैसे बन सकती है साक्षी, जिंक का क्या करवाऊंगी, ऑक्सीडेशन करवाऊंगी और मेरे पास क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मैंने लिख दिया, आयरन का क्या करवाना पड़ेगा रिडक्शन कराना पड़ेगा तो मैंने क्या किया साइन चेंज किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है है ना, क्योंकि इन दोनों को यूज इन दोनों को ऐड करके ही तो ये मिली मुझे, क्योंकि इसी के लिए तो निकालना है इनोड सेल, आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम, समझ रहे हो? अगर ऐसे दिक्कत आती है मतलब वैसे तो ऐसे ही करना है आप लोगों को, जब आगे हम नॉन इक्वेशन करेंगे तो बार बार आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना इसके रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है हाँ साइन चेंज करके रख दो, ठीक है। अब आप लोगों को पता है आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो देखो इधर माइनस 0.41 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.76 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। यस मैम, जैसे आपको वैसे करो लेकिन प्लीज गलत मत करना, हो जाएगा? यस मैम, यस मैम। आयुष हो क्या क्लास में? यस मैम। लग नहीं रहा बेटा क्लास में तुम बैठे हो, ऐसा ही है बेटा बिकॉज तुम रिस्पोंड ही नहीं कर रहे हो क्लास में। हाँ ये बताओ ये वाला क्वेश्चन आयुष ही बताएगा। मैम जूम करो, क्या करो जूम करूं बेटा उसको? yes. कर देना अपनी स्क्रीन को, कर लो हो जाएगी अपने स्क्रीन को कर लो जूम, कर लिया? yes, मैम। चलो बहुत बढ़िया, ओके करो ये क्वेश्चन, कल करवाया था आयुष, तुम बताओगे इसका आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो फॉर द अबव सेल, तो ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ई एक्सटर्नल लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है, बाहर से आपने वोल्टेज सप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो भाई क्या इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट आयुष बताओ मुझे, हाँ आयुष बता बेटा। दीपक आवाज नहीं, हाँ आयुष बताओ बेटा, इनकरेक्ट बताना है। मैंने क्या बोला था, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर आ जाएगी, जो आप बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो सप्लाई दे रहे हो, अगर वो 1.1 तक आ जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होता था, ई सेल 1.1 वोल्ट होता था इन केस ऑफ जिंक एंड कॉपर, तो जब आप बाहर से कुछ वोल्टेज दे रहे हो तो वो जब तक काम करेगा, जब तक करंट फ्लो करेगा, जब तक उसकी वोल्टेज कितनी हो जाए 1.1, जैसे ही बराबर हो जाएगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। और अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगी 1.1 से तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट का वो तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यस मैम, हाँ है ना। yes, तो ये बोल रहे हैं जिंक डिसॉल्व एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड कॉपर इलेक्ट्रोड, भैया ये तो गलत है, सेकंड वाला गलत है मैम, सेकंड वाला गलत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो उसने सही लिखा है कॉपर से जिंक, और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम हो गई तो वही है सिंपल, जैसे हम गैल्वेनिक सेल में पढ़ते हैं जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो ए सी डी स्टेटमेंट सही है और बाकी जो है जो बी वाली है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कहाँ आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ 2020 में, सेम क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ। क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? क्या कह रहे हो? आयुष को पीट दो। अच्छा पीट दूं? अच्छा अनुष्का, अभी आपने चिंदी बोला था ना मैम, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन। अनुष्का, अनुष्का क्लास में हो? नहीं है। प्रियांशु क्लास में है बेटा? यस मैम। प्रभजोत, श्रेषी? यस मैम। बहुत बढ़िया। गायत्री, अर्चना, ठीक है।
ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज का बताओ कौन सा फंक्शन नहीं है. चाहे एक तो ना, हाँ सी वाला, टू अलाउ अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो. पक्का ये होता है, आयंस का फ्लो होता है ना, आयंस का फ्लो होता है. अगर नेक्स्ट टाइम जो अभी संडे को आपका सॉल्यूशन का दोबारा टेस्ट होने वाला है, सॉल्यूशन चैप्टर का, अगर किसी ने खराब परफॉर्म किया फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में, तो फिर तुम्हारे घर पे कॉल जाएगा. और आपको पता है मैं करती हूँ. हाँ मैम आपने किया मेरे घर पे. हाँ तो मैं करूंगी, कॉल करूंगी सबके घर, तो ये याद रखना. और फिर अगर तुमने एक्सक्यूज मारा कोई ऐसा वैसा, फिर देखना. हाँ इस संडे को टेस्ट होगा आपके सोल्यूशन वाले चैप्टर का. ये वाला क्वेश्चन करके दिखा. हाँ जी बेटा 15 क्वेश्चन आएंगे मैम. 15 क्वेश्चन आएगा, वही 240 मार्क्स का टेस्ट होगा. तो इस बार जिन्होंने केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया वो मेंटेन रखेंगे स्कोर को, जिनका अच्छा नहीं गया है वो इम्प्रूव करेंगे. और इम्प्रूव एक तरीके से हो सकता है, क्लास में रेगुलर रहो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो. अगर दोनों हाँ जी बेटा टेस्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो टेस्ट होगा हमारा. भेज तो दिया मैंने ग्रुप में, भेज दिया. हाँ ओके आपको क्या दिया हुआ है बच्चे देखो एक बार. द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देख पा रहे हैं सारे. रिड्यूसिंग yes, पावर का मतलब क्या होता है अर्पिता? मैम दूसरों को रिड्यूस करना. वेरी गुड. और खुद को? ऑक्सीडाइज. वेरी गुड. तो यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी. बस तो फिर देख लो किसकी रिड्यूसिंग पावर, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है. सबसे कम किसका है? कैल्शियम का. एक ही ऑप्शन है. और फिर किसका है? मैग्नीशियम का. फिर उसके बाद किसका है? जिंक का. और लास्ट में किसका? निकल का. ठीक है हो जाएगा. और अगर पावर की बात होती तो इससे बिल्कुल अपोजिट. ठीक है एक बार ये क्वेश्चन एक मिनट के लिए स्किप कर दो, इसको मैं अलग से समझाऊंगी, ये थोड़ा लेंदी सा है. पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट. आप लोगों को क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग पावर बोला है. तो आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा पेपर में, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर. बस आपको गलत नहीं करने है. ठीक है मेघा तुम बताओगी इसका आंसर बेटा? कोई नहीं बोलेगा जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा. मेघा बताओ बेटा. Yes, mom, एक मिनट. हाँ 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 सोच लो सोच लो. हाँ लीव कर दो बेटा. सी ऑप्शन आएगा. ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा. हाँ उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा. ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, वो स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है बस देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. मैम सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोबाल्ट का, फिर मुझे दिखाई दे रहा है लेड का, फिर मुझे दिखाई दे रहा है सीरियम का. सीरियम अभी ध्यान नहीं देना, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी लेंथ नोट्स तब मैं आपको सीरियम के बारे में बताऊंगी. और लास्ट में क्या होगा बच्चा? बिस्मत. मैम यहाँ पे अगर रिडक्शन पावर होता तो बी आ जाता फिर. हाँ उल्टा हो जाता. और आप लोग एक नोटिस कर पा रहे हो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस. तो देखो सारी जगह मैंने आयन लिखे हैं यहाँ पे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये चीज आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें ध्यान रखनी होती है. ठीक है एक तो आपका ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है. एक जब मैं आपकी परसों क्लास होंगी, कल परसों वाली हमारी पूरी क्लास नॉन्स इक्वेशन पे होगी. आधे घंटे की थ्योरी होगी, एक घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेगा. ठीक है yes. ओके ऐसे करो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए. व्हाट विल हैपन इफ अ ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट. ध्यान से पढ़ना, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं. इलेक्ट्रो 12th तो है ही नहीं मुश्किल, मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ठीक है If a block of copper metal is dropped into a beaker containing a solution of 1 molar H2SO4, कुछ होगा क्या? पानी जाएगा? नहीं.
क्या होगा, कुछ होगा? नहीं होगा कुछ। नो रिएक्शन विल अकर, ठीक है? बोलो सही है, डी ही आएगा? यस ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, देखो ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, नीट वालों के तो फेवरेट रहते हैं। इधर देखो, पहले देखो दिया क्या हुआ है। मैम ये तो यहाँ पे इसका रिडक्शन करवा रहा है और टिन का भी क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है ना, और आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है ये। yes, अब आपको ईएमएफ ऑफ अ सेल बताना है। ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है? डी एनोड, ठीक है। कैथोड कौन सा है मैम इसमें से, कोई मुझे बता पाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? यस मैम यस, बस ऐड कर दो, क्या आएगा इसका आंसर? 0.94 वोल्ट। कैसे कर सकते हो बच्चे इसको, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो स्कोर करने का तरीका क्या है, एजी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आप इसका रिडक्शन करवा दीजिए। इधर देखो एक बार सारे, टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ऐसे करवा दीजिए, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है, इक्वेशन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ या ना? मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, तुम लोगों को ध्यान से देख लेना। एक बात बताओ, टिन का जब आपने ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखोगे? और जब सिल्वर का रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे? देखो एक बार, यही आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो यही आ जाएगा 2Ag प्लस प्लस टिन, टिन 2 प्लस 2Ag, तो क्या हो जाएगा 0.80 प्लस 0.14, आंसर इज 0.94 वोल्ट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था बताने, इसमें ये इंपॉर्टेंट था बेटा, ध्यान से देखना, जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैंने ई नोट सेल को क्यों नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया, बताओ क्वेश्चन है कि नहीं है ये? यस वेरी गुड। जब मैं किसी भी इक्वेशन को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से कर रही हूँ, 5 से कर रही हूँ, 50 से कर रही हूँ, 10,000 से कर रही हूँ, मुझे लेना देना नहीं है, बिकॉज जो मेरी ई नोट सेल की वैल्यू है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मेरी जो ई नोट सेल है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, कितने डिवाइड किया, उसको लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके ई नोट को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ई नोट की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। हाँ, अगर आप मान लो टिन का यहाँ पे क्या करवाया हुआ, रिडक्शन करवाया हुआ है, अब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो उसके करेस्पॉन्डिंग आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखोगे, तो आप साइन चेंज करोगे, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। बोलो हाय या ना? यस ठीक है। जुनैद बेटा कहाँ चला गया था? जुनैद कहाँ चले गए थे बेटा? चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस ओके। ये वाला क्वेश्चन करो, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कॉपर सिल्वर H2 निकल आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालने, क्या आप लोग निकाल लोगे? मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब पता है ना, ई सेल निकालना है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, देखो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, आप लोग क्या करोगे, सबको किसमें चेंज कर लोगे बताओ? रिडक्शन। वेरी गुड, सिल्वर का भी कर लो है ना, और H2 का भी कर लो, निकल का भी कर लो, बस खत्म अब कहानी, कर लोगे ये सॉल्व हो जाएगा? यस यस मैम।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर आपको किसी मेटल की रिएक्टिविटी पता करनी है कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमने क्या किया था, एक रेफरेंस सेट किया था विच इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, उसको हम रेफरेंस मान के चले थे, जिसका हमने ध्यान से सुनना इनोड सेल की जो वैल्यू थी वो क्या एज्यूम करके चली थी, मैं जीरो एज्यूम करके चली थी. Are you getting my point? है ना? अब ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, काफी सारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, बट क्योंकि जो SHE के साथ जो रिजल्ट है वो बेटर आता है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, SHE को लेके जो है बाकी सारे मेटल का जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, ठीक है. अब आप जो भी टाइप की इलेक्ट्रोड लोगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन सी टाइप की होती है. एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था SHE, है ना. अब या तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, या वो रिडक्शन करेगा, है ना, यही तो मतलब होगा. या तो जो भी आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली है, या तो वो ऑक्सीडेशन करेगा या तो वो रिडक्शन करेगा, यही दो काम में से एक करेगा ना वो. बोलो हाँ या ना. यस सर. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये जो मैंने आपको SHE बताई थी विच इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको आप गैस इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको कल बताई थी. क्या किया था हमने, एक बीकर लिया था, सॉल्यूशन में क्या था, HCl था, कंसंट्रेशन क्या ले रही थी मैं, 1 मोलर, प्रेशर कितना ले रही थी, 1 बार ले रही थी. बोलो हाँ या ना. यस सर. मैं 298 केल्विन, उसमें जो है प्लेटिनम की वायर डिप करी हुई है, और जो ये खाली जगह है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ओपन वेसल आउटलेट दिख रही है, वहां से मैं क्या कर रही थी, हाइड्रोजन गैस को जो है वहां से पास करवा रही थी, ठीक है. अब मैम ये क्या पेपर में आएगा, नहीं, पेपर में आपको कोई भी नहीं पूछने वाला, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कौन कौन सी अलग अलग टाइप की रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है. एक तो SHE हो गया, दूसरा है एक आपका मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट इलेक्ट्रोड. किसी ने सुना है इसका नाम, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, ठीक है. ये क्या है इसमें, हाँ नाम ही नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, अभी सुन लो, आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अभी ध्यान रखना, बेशक कल जाके भूल भी जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है. अच्छा एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, वी यूज सोल्ट ऑफ सम मेटल, कुछ मेटल के हम सोल्ट यूज करते हैं बेसिकली, जो कि इनसोल्युबल होते हैं. देखो लिखा हुआ है ना, विच आर स्पेरिंगली सोल्युबल विद द मेटल इटसेल्फ एज इलेक्ट्रोड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप AgCl यूज करते हो Ag के साथ, Ag इज योर व्हाट इलेक्ट्रोड, और AgCl क्या है उसका इनसोल्युबल साल्ट, जो मेटल ले रहे हो उसका ही क्या लेना है, इनसोल्युबल सॉल्ट लेना है, ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू फेसेस, है ना, AgCl और Ag के बीच में, विच कैन बी आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये उन्होंने रिएक्शन लिख के दिखा दिया, ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग AgCl एंड Cl आयंस, ठीक है, आपको दिख पा रहा है ये, ठीक है. मतलब इसका मेटल इन सोल्यूबल सोल्ट में क्या है, इन्होंने डायग्राम तो नहीं बना के दिया, सिंपल आपको ये बोला है जो आप मेटल ले रहे हो उसका आप इन सोल्यूबल सोल्ट लोगे, ठीक है. जैसे मान लो Ag आपका मेटल है और आपका इनसोल्यूबल साल्ट यानी कि जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा, पूरा सोल्यूबल नहीं होगा, वो क्या होगा, AgCl होगा, ठीक है. अब वो भी क्या करेगा, रिडक्शन देगा, रिडक्शन वाली रिएक्शन होगी और उसपे क्या होगी, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी. जैसे इन्होंने ये कौन सी वाली रिएक्शन लिखी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये कैथोड वाली रिएक्शन है, रिडक्शन. ऐसे ही एनोड पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा. बोलो. यस. तो बस एक ये टाइप की इलेक्ट्रोड होती है. एक होती है आपकी बच्चा कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कैलोमल इलेक्ट्रोड आपने सुना होगा, कैलोमल सुना है किसी ने, जनली बच्चे क्या होता है, हम मरकरी का पेस्ट लेते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल बॉटम में मैंने क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है और मरकरी क्लोराइड का मैंने क्या लिया हुआ है, पेस्ट लिया हुआ है. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने मरकरी लिया हुआ है जो कि लिक्विड होता है आपको पता है रूम टेम्परेचर पे, और मैंने मरकरी क्लोराइड का पेस्ट लिया है. यहाँ ऊपर सारा क्या डाला हुआ है, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने KCl सॉल्यूशन डाला हुआ है. इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि कैलोमल इलेक्ट्रोड में आप किसका सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो ध्यान रखना KCl का सॉल्यूशन यूज करते हैं जो किसके कॉन्टेक्ट में होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेस्ट के कॉन्टेक्ट में होता है. अब क्या होगा, रिएक्शन होगी, एक कैथोड पे होगी और एक एनोड पे होगी. तो आप लोगों को दिख पा रहे हैं कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी, मर्क्यूरिक क्लोराइड जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या मिलेगा, 2 Hg + 2 Cl-,
ये ध्यान रखना रिएक्टेंट के साइड जितना चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस टू है तो बच्चा यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बोलो माइनस टू होना चाहिए। एनोड पे क्या होता है, एनोड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो मैंने क्या किया पहले ही दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बाहर निकाल दिए, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया 2Cl नेगेटिव लगा दिया। आप लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड का ही मैंने क्या कर दिया बिल्कुल अपोजिट वाला क्या लिख दिया एनोड लिख दिया। मैम इसका यूज मेजर, हाँ 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 पीएच में भी हम इसको पीएच निकालने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। मैम ये एकदम अपोजिट लिखा है तो जब इसकी सेल रिएक्शन निकालेंगे तो सब कुछ कैंसिल नहीं हो जाएगा? फिर बोलो बेटा। मैम यहाँ पे जैसा कैथोड पे लिखा है एनोड पे उसका एकदम उल्टा लिखा है, तो मैम अगर हम इन दोनों को ऐड करके सेल रिएक्शन निकालेंगे तो ये तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसका आपको बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड इज व्हाट रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो इसका वो दिया होगा ना, मतलब कहने का मतलब है मान लो कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ आपने इलेक्ट्रोड ली कोई जिसका आपको क्या नहीं पता, जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता, राइट है ना। मान लो आपने कैलोमल, समझ रहे हो कैलोमल इलेक्ट्रोड इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना। अब आप किसी और का मेटल का पता लगाना चाहते हो कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप उसको लगाओगे उसके साथ। हो सकता है कि एक बार जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करे और दूसरे वाला एनोड की तरह काम करे, हो सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ वो एनोड की तरह काम करे दूसरे वाला कैथोड की तरह काम करे। तो ये रिएक्शंस लिख के दिखा रखी है कि जब वो कैथोड के साथ बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन होगी, एनोड के साथ बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन होगी, समझ रहे हो? Yes. क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे क्या ही हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, यही दो चीजें हो सकती हैं, बस यही करके दिखाया हुआ है। ऐसे ही एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी होती है आपकी, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो आयरन 2+ और आयरन 3+ को सेम कंटेनर में डिजोल्व किया जाता है और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो प्लेटिनम है वो यूज किया जाता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक बार देखो आयरन 2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक बार आयरन 3+ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब वो रिड्यूस होगा तो वो कैथोड की तरह काम करेगा, जब वो ऑक्सीडाइज होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। अब कब वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा कब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा वो डिपेंड करता है कि जो उसके साथ लगा हुआ है, जो उसके साथ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और जो एमीटर में करंट की डायरेक्शन है उससे हम पता लगा पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिस साइड से, वो वाली स्पीसीज एनोड की तरह काम करेगी और दूसरे वाला कैथोड की तरह काम करेगी। क्लियर? यस मैम। वो अलग अलग है इलेक्ट्रोड, एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, मेटल इनसोल्युबल सोल्ट इलेक्ट्रोड और एक गैस इलेक्ट्रोड। मैम ये ध्यान रखना है, नहीं सिर्फ एक बार रीड कर लेना, कैलोमल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रहता है, बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया है इसमें क्या क्या यूज होता है, इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है, ठीक है जी। यस यस यस। एक क्वेश्चन रह गया था आप लोगों का, उसको हम फटाफट कर लेते हैं फिर क्लास को हम लीव करते हैं, छोड़ते हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चा, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है और M+ से M जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि इस पे क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है बच्चा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हुई, आपको ये टेबल बना के दिखाई हुई है, आपको ये टेबल बना के दिखाई हुई है, तो इस टेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये मेटल है जिसके ये लिया हुआ है, बेसिकली ये लिया हुआ है, ठीक है। एक बार बोल रहे हैं ये गोल्ड है, एक बार बोल रहे हैं ये सिल्वर है, एक बार बोल रहे हैं ये आयरन 3+ है और एक बार बोल रहे हैं ये आयरन 2+ से आयरन है, समझ रहे हो? यानी कि इन्होंने क्या किया, जिंक के साथ बारी बारी इलेक्ट्रोड चेंज करी, पहले गोल्ड का लिया, फिर सिल्वर की ली, फिर आयरन की ली और फिर मतलब दो बार आयरन की ली है, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने क्या दिया हुआ बच्चे, जिंक 2+ से जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है अर्पिता, -0.76 वोल्ट दिया हुआ है ना। अब आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनोड सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्वेश्चन समझ आया? जैसे हम क्या करेंगे, करना शुरू करें, देखो एनोड पे क्या है बच्चे, जिंक है, लिख दूं? यस लिख दिया,
अब तुम मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं क्या लिखूं? मैम सी आएगा, देखते हैं बच्चे, देखते हैं, निकाल के देखते हैं। 0.76 वोल्ट यही लिखूंगी, जल्दी बोलो। Yes, अब मैं क्या ले रही हूँ, एजी वाला एग्जांपल ले रही हूँ। एजी का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सेल रिप्रेजेंटेशन में जो मेटल वाला है वो राइट हैंड साइड है। देखो एक बार, अब मैं करूंगी कितना है रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का, बताएगा कोई मुझे? 16 बच्चे बैठे हो, अरे पहले देख लो इधर अपना बात। मैम 1.40 या 0.80? 0.80 पहले आप सुनते रहिए, आपका ध्यान चैट बॉक्स में रहता है। इधर देखो सारे, तो क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दो, कर दिया? यस मैम। कितना है आंसर, कितना है आंसर? 1.56 और जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करेंगे, हर किसी में ये वाला काम करेंगे, आयरन वाले में भी ये काम करेंगे, एयू प्लस 3 से जब एयू में जाएगा तब भी वो काम करके दिखाएंगे, जब आयरन 2 प्लस से आयरन में जाएगा तब भी वो काम करेंगे, और देखेंगे जिसकी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगी उसी का क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये समझ आया क्वेश्चन? उसने क्या किया, जिंक के साथ अलग अलग इलेक्ट्रोड को लगाना शुरू किया, उसने आपको बता दिया कि भैया जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा और उसके साथ जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उस पर रिडक्शन होगा। तो मैंने क्या किया, एनोड पे रिएक्शन लिखी, कैथोड पे रिएक्शन लिखी और दोनों का कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख के उसका एनोड सेल निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के लिए 1.56 वोल्ट आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसने पूछा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 1.56/2 होगा। क्या आप अभी मुझे निकाल के बता सकते हैं किसका सबसे ज्यादा होगा? कोई बच्चा बी वाला निकाल लो, कोई बच्चा सी वाला निकाल लो, कोई बच्चा डी वाला निकाल लो, निकाल सकते हैं? Au3+ है इसका आंसर, कितना यही आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, ए या सी? सी मैम। सी आएगा, एक बार निकाल के देख लेते हैं एयू का, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। जिंक का तो यही रहेगा, yes, 7.64, और इसका क्या रहेगा, Au3+ + 3 इलेक्ट्रॉन एयू, ठीक है। इसका रिडक्शन कितना दिया हुआ देखना एक बार, 1.4, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी तो सेम करना पड़ेगा ना। तुम लोगों ने किया क्या मल्टीप्लाई किया क्या नहीं किया, गुंजन, प्रियांशु, नहीं किया ना? अब एक बार देखो, है और यहाँ पे बेचारा कितने है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई तो करो इसको 3 से, दोनों को बराबर करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 2 से करो, अभी कर लो, निकाल लो। 6 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग कितनी वोल्टेज आएगी और 1 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग कितनी वोल्टेज आएगी, तो इसका आंसर सी नहीं ए ही आएगा, एक बार निकाल के देखना सारे घर। मैम 6 के तो करस्पॉन्डिंग 2.16 आ रही है, 2.76 और 1 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग गायत्री कितना आ रहा है, 0.36 और इसमें कितना आ रहा था, 0.78, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता सी वाला, तो मैम मल्टीप्लाई नहीं किया था ना हमने। हाँ ठीक है, तो यही गलती कर दी आप लोगों ने, अभी समझ में आ गया, तो एक बार चेक करना बी और डी को भी चेक करना, वैसे इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है ए ही आएगा। क्लियर है सभी को आज का लेक्चर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया करके। यस मैम। अर्पिता समझ में आया, आयुष? यस मैम। हाँ एक बार अपना वो कर दो, क्या बोलते, चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दे दो, सो दैट मुझे पता चले।
एंड डेली की परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है क्लास में किस बच्चे का ध्यान है किस बच्चे का नहीं है। अच्छा सुनो एक बार मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चे, एक बार रुक जाओ मैं